प्रतिशत तक लंग इन्वॉल्वमेंट था, ऑक्सीजन लेवल था वो 70-75 के आसपास था। नमस्कार, मैं डॉक्टर भारत भूषण, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, स्पैच हॉस्पिटल। आज मुझे बताते हुए बेहद ही खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे अस्पताल स्पेस अस्पताल से कोविड का मरीज जिसका 90% तक लंग इन्वॉल्वमेंट था, 90% तक जिसकी लंग्स ख़राब थे, आज वो हमारे अस्पताल से 50 दिनों के बाद, जी हाँ 50 डेज के बाद, आज हमारे अस्पताल से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर आज वो जा रहे हैं। यहाँ स्पेस हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। हमारे बीच में मिस्टर सुशील दानू जी एंड मिसिस जोसना मैम हैं, जो हमारे यहाँ पे 50 दिन कोविड के टाइम में काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किया है। यह मरीज जब हमारे पास आए थे तो इनके शरीर का ऑक्सीजन लेवल जो था मात्र 64% था। इस मरीज को हमने HFNC तकनीक से 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन दी गई थी। उन्होंने मेरा इतना पर्सनल टेक किया मेरा कि अगर डॉक्टर भरत जब मेरे टेस्ट होते थे तो वो मेरे साथ पर्सनली आए थे यहाँ पे। हाँ, तो देखभाल कर पाती थी, रिपोर्ट्स को समझ पाती थी। एक डॉक्टर का जो पर्सनल कंसर्न होता है या पर्सनल टच होता है वो शायद ये। तो लाइक आपको कैसे फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। तो अभी मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब मेरा ये इनको बायपैप भी लगा था, इनको NRBA मास्क भी लगा था, और उस दिन से आज के दिन तक आज इनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है मात्र 1 लीटर, जी हाँ ओनली 1 लीटर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के साथ हम अपने मरीज को स्वस्थ करके डिस्चार्ज कर रहे हैं। हमारे मरीज का जो ये 50 दिनों का जो सफ़र रहा उसमें हमारे अस्पताल के सभी डॉक्टर्स की टीम ने, जो क्रिटिकल केयर की टीम है जिसमें क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, पल्मोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन सभी मौजूद हैं, सभी ने इनका ध्यान रखा है और उसका नतीजा ये है कि आज ये पूर्ण रूप से ठीक होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। मेरी दुआएं रहेंगी उनके लिए कि आगे किसी भी प्रकार की बीमारी उनको परेशान ना करें, जो जनता है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। ये मेरी मनोकामना है, ये मेरी दिल से इच्छा है। धन्यवाद।